एरोकिनेसिस यानी कि हवा को अपने माइंड के जरिए कंट्रोल करना, अपने दिमाग की शक्ति से साइक्लोन, टॉर्नेडो ऐसे खतरनाक आंधियों की सृष्टि कर देना। देखिए, आप हवा को किस तरह से कंट्रोल करना चाहते हो, इसके बेसिस पर एरोकिनेसिस करने के 3 तरीके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सबसे ईजी वाला बताता हूँ। अगर आप अपने आसपास के हवा को यूज करके एक छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल बवंडर क्रिएट करना चाहते हो, तो इसके लिए सबसे पहले आपको बागवा जैंग मूवमेंट सीखने होंगे। नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन बहुत ही काम की चीज है। बागवा जैंग असल में एक तरह का मार्शल आर्ट्स है जो कि आपको ये सिखाता है कि आप कैसे अपने हाथों को तेजी से मूव कर सकते हो, ठीक वैसे ही जैसा आपको स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहा है। आप इस मार्शल आर्ट को यूट्यूब से सीख सकते हो, और जब आप इसको एकदम अच्छी तरह से सीख लो तब आपको मेडिटेशन करना शुरू करना है। हर दिन कम से कम आधा घंटा आपको मेडिटेशन करना है, और इस मेडिटेशन के वक्त आपको अपने सांस पर फोकस बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि आपको अपने आसपास के हवा के ऊपर फोकस करना है। पूरे फोकस के साथ आपको अपने आसपास के हवा को अपने शरीर के ऊपर फील करना है। इस तरह मेडिटेशन करने के बाद आपको अपने शरीर की ची एनर्जी को अब महसूस करना है। ची एनर्जी आपके शरीर की वो एनर्जी है जिसकी मदद से आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि ची एनर्जी को यूज़ कैसे करते हैं, तो ये वीडियो खत्म होने के बाद आप मेरी ची एनर्जी की वीडियो देख सकते हो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। तो ची एनर्जी को यूज करते हुए आपको इमेजिन करना है कि आप धीरे धीरे हवा के पार्टिकल्स में बदल रहे हो। आपका शरीर धीरे धीरे हवा में कन्वर्ट हो रहा है। थोड़ी देर बाद आप ये फील करोगे कि आप अपने चारों तरफ की हवाओं के साथ कनेक्ट हो चुके हो। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप हवा बन चुके हो, और जब आपको ऐसा लगने लगे तब आपको उन बागवा जैंग के मूवमेंट्स को करना शुरू करना है। इससे होगा क्या कि पहले पहले तो एक हल्का सा हवा का झोंका क्रिएट होगा, लेकिन अगर आप इस पूरे प्रोसेस को प्रैक्टिस करते जाओगे तो कुछ दिन बाद आप देखोगे कि धीरे धीरे एक बवंडर क्रिएट हो रहा है। छोटा सा होगा लेकिन बहुत ही पावरफुल होगा। वैसे अगर आप अपने माइंड पावर के जरिए 5-10 किलोमीटर के एक एरिया में एक आंधी की सृष्टि करना चाहते हो तो उसके लिए एक अलग प्रोसेस है, लेकिन वो प्रोसेस बताने से पहले आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि असल में क्रिएट कैसे होती है, नहीं तो आप उस प्रोसेस को समझ ही नहीं पाओगे। देखिए, गर्मी की वजह से जब किसी जगह की हवा बहुत गर्म हो जाती है तो वो हवा धीरे धीरे ऊपर आसमान की तरफ जाने लगता है। क्यों? क्योंकि गर्म हवा हल्का होता है और हल्की चीजों के ऊपर ग्रेविटी बहुत कम होती है, इसीलिए वो ऊपर की तरफ जाने लगता है। अब क्योंकि उस जगह की हवा ऊपर आसमान में जा चुकी है, इसीलिए उस जगह में हवा की कमी हो जाती है, एयर प्रेशर बहुत ही कम हो जाता है। तो हवा की कमी को पूरा करने के लिए आसपास के इलाकों की हवाएं बहुत तेजी से उस एरिया में चले आते हैं, और इसी तरह तूफान की सृष्टि होती है। तो अगर आपको किसी एरिया में आंधी लानी है तो बेसिकली आपको उस जगह के वातावरण को बहुत ही गर्म कर देना। और ऐसा आप कैसे करोगे? वेल, पायरोकाइनेसिस के जरिए। पायरोकाइनेसिस यानी कि टेम्परेचर को कंट्रोल करने की साइकिक एबिलिटी। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मेरी पायरोकाइनेसिस की वीडियो देख सकते हो। पायरोकाइनेसिस की प्रोसेस बहुत ही लंबा है, नहीं तो मैं इस वीडियो में ही पूरा प्रोसेस बता देता। ये तो होगी छोटी मोटी आंधियों की बात, लेकिन अगर आप साइक्लोन्स, टॉर्नेडोज ये सब क्रिएट करना चाहते हो तो आपको अपने दिमाग की शक्ति से हवा के मॉलिक्यूल्स यानी कि बेसिकली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंट्रोल करना सीखना होगा। आप इन मॉलिक्यूल्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो कि 2-3 दिन में ही आने वाली है। सो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना करें। मेरी सारी वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, मतलब ऐसा आपको लग सकता है, मैं नहीं कह रहा ये। और लाइक कर देना इस वीडियो को अगर पसंद आई है तो, और कमेंट करके बताओ कि क्या आप एरोकिनेसिस की शक्ति पाना चाहते हो, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। शेयर भी कर देना इस वीडियो को। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।